नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के सेशन को और शानदार, जानदार और जबरदस्त बनाने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो जल्दी से आ जाइए बिना किसी विलंब के। क्यों कर रहे हैं हम विलंब? विलंब करना नहीं है, परीक्षा है। कब? 14 मई को आपकी परीक्षा है, और उस परीक्षा के बारे में कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी होंगी, उसी वाले सेशंस को आज मैं बढ़ा रहा हूँ। चलिए, आपका स्वागत है आपके अपने मैजिक शो में। चलिए, मैजिक शो में आज का पहला प्रश्न, कौन सा मैजिक होगा आज? आज एक मैजिक करते हैं। एक मैजिक ऐसे करते हैं, हमने किसी कर को उद्ग्रहण को किसी कर के उद्ग्रहण को कम कर दिया, बंद कर दिया, दर को कम कर दिया, किसके अधिकार से होगा? देखिए, कर के उद्ग्रहण, कर का जो कलेक्शन है, उद्ग्रहण है, उसको कम करके उद्ग्रहण को कम कर दो लालू, करके उद्ग्रहण को दोस्तों बंद भी कर दो, बंद कर दो, उसकी दर को कम कर दो। क्या कर दो? उसकी दर को कम कर दो। कौन करेगा? हम थोड़े ना करेंगे, हमारे पास इतना पावर है क्या? किसके पास है बताइए ऐसा पावर? जल्दी से कमेंट करिए, किसके पास है ऐसा करने का पावर? ऐसा करने का पावर किसके पास है, करके उद्ग्रहण को कम करना, बंद करना, या उसकी दर को भी कम करना? ऐसा मैजिकल पावर किसके पास है, ऐसी जादू की झड़ी किसके पास है? अध्यक्ष कर देगा हमारा, या राज्य वित्त आयोग करेगा, या हमारा वित्त सचिव करेगा, या राज्य सरकार के हाथों में ऐसा प्रावधान है? तो चलिए पहले देखिए, धारा 108 है। गुरु जी ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप? 108 पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। धारा 102, बाध्यकारी कर। कौन सा कर? बाध्यकारी कर, करों के बारे में बाध्यकारी कर। वाओ, वेरी गुड। लपेट लो, लपेट लो, लपेट लो, राज्य सरकार को लपेट लो। किसको लपेट लो? राज्य सरकार को लपेट लो। लपेट लो भाई साहब, किसको लपेटना है? राज्य सरकार को लपेट लो। तो कैसा लगा क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वीडियो के समाप्त होने के बाद भी आप कमेंट करते रहिए। दिमाग के दरवाजे खोल लो, खिड़कियां बंद कर लो, और फटाक से इसका जवाब दे दो। चलिए, ओके मेरे नौजवान साथी, चलता हूं आगे। एक चीज, चलो और हंसते हंसते दिल पर पत्थर रखकर, नहीं दिल पर पत्थर नहीं, फूल रखकर मुझे बता दो। बताइए, कौन सा बाध्यकारी कर की श्रेणी में नहीं आता है? बाध्यकारी कर की श्रेणी में शामिल नहीं। बाध्यकारी कर की श्रेणी में क्या है भैया? शामिल नहीं है। हम क्या करें, हम क्या करें? ठीक है, एक तो देखो, यह भैया है सार्वजनिक स्थान है, यह है निजी स्थान। सार्वजनिक स्थान हो या निजी स्थान हो, आपने अपनी फोटो का बहुत बड़ा बैनर बनाया और चिपका दिया, ठीक है? तो सार्वजनिक या निजी भवन पर विज्ञापन। चलो दूसरा, आपका दिल और होता है, आपने सोचा कि अब मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, जादूगर का जादू तो चल चुका है, तो उस मुख्यमंत्री बनने से पहले आपने सड़कों पर, पुलों पर, घाटों पर, पथ कर, तो सड़कों, पुलों व घाटों पर पथ कर। चलो एक ऑप्शन और देता हूं, ज्यादा नहीं खींचने की कोशिश करूंगा। तीर्थ यात्रियों पर्यटकों पर कर। तो जल्दी से फटाफट बता दीजिए, जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, और जल्दी से बताइए क्या मामला होगा, क्या आप ईओ बनेंगे? आप में पावर है। इन तीनों में से किसको बाध्य करके श्रेणी में शामिल नहीं रखा जाएगा? जल्दी से बताइए, रूठिए मत, मुस्कुराते रहिए, और जल्दी से मुझे जवाब मिल गया है। गुरुजी मुझे तो मिल गया है जवाब, सही जवाब है तीर्थ यात्री। ओ माय गॉड, ऐसा थोड़ी होता है लाला, ऐसा नहीं होता है। तीर्थ यात्रियों व पर्यटकों पर कर नहीं ले सकते आप, क्योंकि यह तो अन्य कर की श्रेणी में शामिल है, इसको बाध्यकारी कर में नहीं रखा जाएगा। कमेंट फिर करिए, बाध्यकारी कर अभी बताया कौन सी धारा में, जल्दी से बताइए फटाफट तरीके से, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त तरीके से, ठीक है? चलिए, हाँ
चलें। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन, ये आपकी प्यारी सी नगर पालिका, आपके सपनों की नगर पालिका, जहां पर आप बैठेंगे अधिशासी अधिकारी बनकर। क्या? अधिशासी अधिकारी बनकर। मुझे ये बताइए कि अन्य क्या निकला मेरे मुंह से, चलो कोई ना, निकल गया तो बात रख लेंगे। अन्य कर धारा 103, सही है? सही है। तो मुझे बताइए इस अन्य कर में एक है स्टाम्प, क्या है दोस्तों? स्टाम्प है लाला, क्या है लाली? स्टाम्प है। स्टाम्प शुल्क कर, स्टाम्प शुल्क कर कि मुझे आप दर बता दे तो मैं भी सोच लू थोड़ा, मैं भी खुश हो लू भाई। ठीक है, दर कितनी? 10%, 15%, 5%, 7%। कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट तरीके से क्या जवाब रहने वाला है। जल्दी 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 फटाफट बताओ। हाँ दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए और जल्दी से बताइए क्या जवाब रहने वाला है। वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट फटाफट, इनाम इना डीगा चांद का टुकड़ा, जल्दी से बताइए। स्टाम्प ड्यूटी धारा 103, बरसात के इस मौसम में कहीं आपका दिमाग ठंडा तो नहीं हो गया है? हो गया है तो जल्दी से गर्म करिए और जल्दी से आंसर लाइए। 10% जल्दी से आंसर क्या लाना है आपको? जल्दी से आंसर लाइए आप, 10% वाला। जल्दी से आंसर क्या लाइए? 10% वाला आंसर लाइए। ठीक है, आगे करो। आपने भी जन्म लिया होगा और हम मरेंगे भी, सही, ये प्रकृति का नियम है। सर कौन सी बात को आप कहां ले जा रहे हैं? नगर पालिका एक्ट पढ़ाते पढ़ाते आप आध्यात्मिक की ओर क्यों चले गए? मैं आध्यात्मिक की तरफ चला गया, वेरी गुड, नहीं गया, प्रश्न मुंह से निकला। तो ये लीजिए, जन्म और मृत्यु सार्वभौमिक सत्य है। अभी तो प्रमाण पत्र की बात कर लो रे, अभी तो प्रमाण पत्र की बात कर लो। जन्म और मृत्यु का जो प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जो फीस और जुर्माना है उसको उद्ग्रहित कलेक्ट करने की शक्ति किसमें निहित है? प्रमाण पत्र का फीस और जुर्माना, जुर्माना उद्ग्रहित उद्ग्रहित करने की शक्ति, उद्ग्रहित करने की शक्ति भैया किसके पास है? दो क्वेश्चन बनाऊंगा यहां से, क्वेश्चन तो दो बनेंगे। चलो आओ, येलो धारा भी बताते जाइए। साइड की गली से क्यों निकल रहे हैं? पतली गली से निकलना मना है यहां पर। धारा भी बताइए, जल्दी से बताइए धारा कौन सी होगी? जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र, फीस जुर्माना उद्ग्रहित करने की शक्ति, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की धारा कौन सी होगी? कौन से आर्टिकल में ऐसा कहा गया है? गुरुजी हल्के में क्यों ले रहे हो आप हमें? भैया मैं हल्के में क्यों ले रहा हूँ? तुम्हारा वजन ज्यादा है तो तुम भारी हो, कम है तो हल्के हो, मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। आंसर है 105। यहाँ पर आंसर क्या होगा लाला? यहाँ पर आंसर होगा बिचारी नगर पालिका को भी तो कुछ पैसे की जिम्मेदारी दे दो यार, सारा ही राज्य सरकार थोड़ी ना करेगी। आंसर कर दो मेरे नौजवान साथियों, यहाँ पर नगर पालिका क्या करना है? नगर पालिका यहाँ पर आंसर करना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको कहता कहता फिर कह देता हूं, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन भी मैं आपको देकर जाऊंगा, उसकी भी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस आपको अपना प्यार बनाए रखना है, मस्त बिंदास तरीके से चीजों को जोड़ने की कोशिश आपको करते रहनी है। ठीक है, कदम कदम बढ़ाएगा, उसी के गीत गाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बता दीजिए। यह बेचारी नगर पालिका, यह बेचारी नगर पालिका, यह बेचारी कौन सी पालिका? नगर पालिका। नगर पालिका राजस्व प्राप्त करती है, नगर पालिका राजस्व प्राप्ति के माध्यम, नगर पालिका राजस्व प्राप्ति के माध्यम कौन से हैं? तो नगर पालिका राजस्व प्राप्ति के माध्यम भैया कौन से हैं? कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए और रुकिए, धारा भी बता कर जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद जल्दी से कमेंट करिए और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। मैं लेता हूं आपसे इजाजत।
ये मैजिक शो के क्वेश्चंस आपको फिर एग्जाम में दिलाएंगे, बहुत शानदार दमदार और जबरदस्त वाला अनुभव, माइंड फ्रेश करने वाली जड़ी बूटी है, आज ले ली, परीक्षा तक कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। जय हिंद, जय भारत।